समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी सरल हृदय हसमुख शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री राजेश अग्रवाल जी, फर्म दिल्ली एग्रो ब्रोकर। आप दालों का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1982 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार करवा रहा हूँ जिनका साक्षात करके मुझे इतना खुशी अनुभव हो रही है और अपने आप को गौरव भी हो रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति का साक्षात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति को मैंने शुरू से यानी बचपन से देखा है और उसने मुझे भी देखा है। वो ऐसा देखा है जिस व्यक्ति का मैं कर्मठ से, नेकी से, ईमानदारी से, मेहनत से इतना आगे बढ़ा है। इसका तो सम्मान होना भी चाहिए। जैसे ही गया कहा आपको सम्मान करनी, मेरी सम्मान आप करोगे? नहीं। अरे भाई, तेरा सम्मान नहीं, ये सम्मान तेरे कार्य क्षेत्र का हो रहा है, तेरी ईमानदारी का हो रहा है, तेरी मेहनत का हो रहा है। जिस मेहनत से, जिस नेक का, उससे आगे बढ़ा है। आज जिस जगह मैं देख रहा हूँ तो मुझे खुशी किसको होगी, उसको मैं व्यापारी भाइयों में बांटना चाहता हूँ। व्यापारी भाइयों, उस व्यक्ति का नाम दिल्ली एग्रो ब्रोकर के प्रोप्राइटर श्री राजेश अग्रवाल, जिनको मैंने किस पोजिशन में देखा, क्या देखा, कितनी ऊंचाई पहुंचे, मैं चाहता हूँ कि अपने बुखार भी उससे कहेगा तो अच्छा लगेगा। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार गुरु का भाई, याद हो ये कहते हो कभी बच्चों का ख्याल भी रख लिया करो। अरे अरे अरे, आज व्यापारी भाई को बताना कि आपका कैसे हुआ, किसने हुआ, ये पूरी उसमें सब आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोग का आशीर्वाद है। हम किस योग थे, नौकरी करते थे, जगह जगह मंडियों में जाते थे, व्यापार को जोड़ने की कोशिश करते थे। 25-30 साल एक ही फर्म पे काम किया, पवन ज्योति पे। उसके बाद बाजार में लाला कपूर चंद जी का भी काम करा। उसके बाद अपना ही छोटा सा तरुण भाई को साथ में लेके अपना व्यापार चालू करा। व्यापारियों का स्नेह मिला, प्यार मिला, आप लोग का सहयोग मिला कि आज भगवान ने इस कदर पहुँचा दिया है कि आप लोग की सेवा हम कर सकते हैं। सच्चा सुंदर व्यापार करते हैं, किसी को ऐसा व्यापार धोखे का करने की ना किसी को कहते हैं, ना करने की कोशिश करते हैं। व्यापार वो करते हैं जो जैनबैन हो, बाजार भाव से माल दिलाएंगे, बाजार भाव ही बिकवाएंगे। मंडियों में जो हमारी पोजीशन बनी हुई है वो सिर्फ इसी की छवि की बनी हुई है कि इनके यहाँ व्यापार करके आदमी को तकलीफ नहीं आ सकती। शुरू किया, अरे आपने तो बहुत मेहनत करी, आपने इतनी मेहनत करी, हम समझते हैं भुजी आप पापड़ बेच के बाजारों में मंडियों में जाके कई प्रकार के आपने नाना काम करे, फिर जैन संयोग से जुड़े, जैन अमर ज्योति डायरेक्टरी निकाली, व्यापारियों को इतना आगे बढ़ाया आप लोगों ने, एक दूसरे के संपर्क का सूत्र बनाया, कम पैसों की कीमत में किताबें छापी, फिर विवाह की किताबें छापी, उसमें भी निर्धन का जो लड़की थी, गरीब बच्चे थे, उनको भी ब्याह में बहुत प्रोत्साहन करा। बड़े बड़े प्रोग्राम आपने करे इस समाज में और अपने जैन समाज के अंदर आप एक स्तंभ हो। आज जैन समाज जो भी है ना आपको याद करता है, और आज नहीं सदियों तक याद करता रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। राजू भाई आपने बहुत बहुत, बहुत नहीं नहीं कह दिया, कुछ नहीं कहा आपने। मेरे तो भुजा पापड़ से शुरू किया, वही कर रहा हूँ यार, पर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे? अरे वो भी सब आप लोग के आशीर्वाद से हम इतने दूर पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग की कहाँ ताकत थी, अगर आप लोग का स्नेह प्रेम प्यार नहीं होता कहाँ मित्रा ऊपर पहुंच पाते। अकोला, महाराष्ट्र, गुजरात, बॉम्बे, MP, हाँ पूरा घूमे साथ अपन, बहुत गए हैं मंडियों में, गए हैं एक दूसरे संपर्क कराए, एक दूसरों की सहानुभूति मिली है अपन लोगों को, और बहुत ही अच्छी तरक्की आपने भी करी है समाज के लिए। लेकिन समाज में जो आपका नाम रुतबा आज है वो अच्छे अच्छे हम जल्दी से बना नहीं सकते, बहुत मेहनत करी। व्यापार को भी दो, कहाँ से आपने जैन की छोटी डायरेक्टरी से लेके ऑल इंडिया बेसिस की डायरेक्टरी बनाई, ट्रांसपोर्टर की, हर प्रकार की आपने सेवा दी व्यापारी वर्ग को, तो बहुत बहुत आपका किस शब्दों में आभार प्रकट करूँ। मेरे आज इतना मुझे अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ जर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान।